ये बहुत एक अच्छी बात हुई है। तो ये म्यूचुअल फंड सही है और कौन सा सही है ये थोड़ा समझ लेते हैं। कुछ जो बेसिक स्टेज आएंगे एक वुमेन की लाइफ में उसके हिसाब से आराधिका अगर आप हमें क्विकली एक एक फंड बता पाए, एक दो दो के कौन से फंड्स। सबसे पहला आएगा हाई एजुकेशन। हायर एजुकेशन अगर एक लड़की खुद अपने लिए प्लान नहीं कर पाती, उसके पेरेंट्स उसके लिए प्लान कर रहे हैं, तो क्विकली कौन सा फंड यूज कर सकती है। जैसे गर्ल चाइल्ड है आपकी, आप उसके एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हैं, आप एक इक्विटी इंडेक्स फंड ले लीजिए, आप एक इंटरनेशनल फंड ले लीजिए अगर आपको बाहर की एजुकेशन, क्योंकि करेंसी का एंगल है, लेकिन इक्विटी लीजिए, एसआईपी करिए, 18 साल की हो जाएगी, कॉर्पस बड़ा हो जाएगा। इक्विटी इंडेक्स हो गया आपके लिए जब आप हायर एजुकेशन के लिए जाए। अब उसकी आई शादी, शादी के लिए कौन सा, क्योंकि एक मदर उसके 5-7 साल या 10 साल से कुछ फंड कॉर्पस इकट्ठा करना चाहती है, तो एक मदर पेरेंट और खुद लड़की भी क्यों नहीं, वो अपने कौन सा फंड ले सकते। आई थिंक जैसे लड़की कमाना शुरू करे उसको इक्विटी फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए, किसी बेसिक मल्टी कैप जैसे फंड में एसआईपी शुरू कर देनी चाहिए। आजकल तो बहुत लड़कियां चाहती हैं कि मैं खुद अपनी शादी में कंट्रीब्यूट करूं, मैंने किया, बहुत लड़कियां चाहती हैं कि माँ बाप क्यों करें, मैं भी करूं, तो इक्विटी में वहां से शुरुआत करिए आप, ठीक है। और उसके बाद उसके लिए एक नया पड़ाव आएगा, बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन होगी या फिर घर खरीदने जैसी बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, तो वहां ना जैसे आप बड़े होते हैं आपकी लायबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, वहां आपको थोड़ा गोल के मुताबिक एक सिंपल आंसर नहीं है, वहां आपके जो 1-3 ईयर नीड्स हैं वहां आपको फिक्स्ड इनकम करना चाहिए। 3-5 साल के नीड में मेरे हिसाब से बैलेंस्ड फंड बहुत अच्छा करता है। लंबे समय का आप पैसा छोड़ना चाहें तो आप इक्विटी कर सकते हैं। इस हिसाब से गोल वाइज आप अपने पैसे को ब्रेक करें। एक और चीज बहुत जरूरी है मनीष, देखिए सारे खर्चे एक तरफ लेकिन साथ में घूमना फिरना बिल्कुल है ना, उस सब की प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। प्लानिंग अब तो हो रही है अच्छे से। रिटायरमेंट को भी गोल बनाना चाहिए, वेकेशन को भी गोल बनाना चाहिए कि मुझे फैमिली के साथ 5 साल में मॉल्डीव जाना है। हाँ, वो भी 5 साल का एक गोल होना चाहिए। उसके लिए आप अलग पैसे कार्व करके एक बैलेंस फंड में डालिए कि मुझे 3 साल मॉल्डीव जाना।